तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सर्दियों के सौगात गाजर का हलवा। अगर हलवा लज्जत के साथ साथ मेवाजात और खोए में डूबा हुआ हो तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती है, जो इस हलवे में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपकी शॉप का नाम क्या है? अजमेरी दिलबहार लस्सी हाउस। अजमेरी दिलबहार लस्सी हाउस, तो ये मलीर की मेरा ख्याल सबसे मशहूर लस्सी है। जी जी, ये बिल्कुल मेन टंकी के सामने है। अच्छा, ये सामने वाटर बोर्ड की टंकी है, उसके बिल्कुल सामने फूल मार्केट के सामने ये हमारी शॉप है। तकरीबन इस शॉप को 1960 से है ये। अच्छा माशाल्लाह, 1960 से। तो आपके पास लस्सी तो स्पेशल है ही है, तो लस्सी के अलावा और क्या क्या है? सर, हमारे पास एक स्पेशल रबड़ी प्याला है। अच्छा हाँ, उसके बाद एक गिलास है लस्सी का। सही। उसके बाद ये दूध की बोतल है, ये फ्रेश रबड़ी है। अच्छा, ये रबड़ी ऊपर है। हाँ, ये रबड़ी, ये भी रबड़ी है। ठीक है। सर्दियों में गाजर का हलवा होता है। सही। कश्मीरी चाय होती है, लेकिन ये सिर्फ ऑर्डर वगैरह पे देते हैं, कश्मीरी चाय वगैरह। अच्छा, और गाजर का हलवा भी है? गाजर का हलवा होता है सीजन वाइज, जो एक दो महीने का। लस्सी जो है वो आपके पूरे साल का है, मतलब 12 महीने का है। जी जी जी। आपकी शॉप की टाइमिंग क्या है? तकरीबन सुबह 7:30 बजे शॉप ओपन हो जाती है। अच्छा, और रात में कितने? रात को तकरीबन 3:30 बज जाते हैं, धुलाई वुलाई सफाई का। 3:30 बज जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू सर। इस हलवे के अलावा इनकी स्पेशल लस्सी, रबड़ी, कस्तूरी दूध और भी बहुत कुछ यहाँ मिलेगा। अगर आप लोग भी ये सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा। इनकी लोकेशन है मलीर टंकी नियर शीशा गली।